रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप XM जो कि ट्रेडिंग है इस पे आप कैसे अकाउंट बना सकते हैं XM.com। ये कंप्लीट मेथड बताऊंगा, उसके बाद जो है इसके बोनस लेना है जो आप लोगों ने वो कैसे लेना है और ट्रेडिंग वगैरह कैसे करनी है वो भी मेथड बताऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो इसमें करेंसीज के अंदर जो पेयर्स वगैरह हैं ये बेस्ट ब्रोकर है। ये भी एक करेंसीज पेयर के अंदर अगर आप करना चाहें देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकी करेंसीज वगैरह हैं जिसके ऊपर आप कर सकते हैं ट्रेडिंग वगैरह। ठीक है, तो देखें ये काफ़ी बहुत बेस्ट मतलब कि इनकी करेंसीज वगैरह हैं जिस पर आप आसानी के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा इनका शेड्यूल वही है जो कि आप MT4 और MT5 के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं अभी इसको आपको अकाउंट वगैरह बनाना सिखा देता हूँ, उसके बाद इसमें जो डिपॉजिट वगैरह नो डिपॉजिट बोनस वगैरह है ट्रेडिंग के लिए वो कैसे लेने आपको मैं बाद में बताऊंगा, आने वाली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो आप इस तरह करें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसमें आपको लिंक मिलेगा इसका, तो वहां से आपने लॉगिन हो जाना है और अकाउंट बना लेना है। अकाउंट का मेथड मैं आपको बता देता हूं, आपने जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा इस तरह का। ठीक है, तो नीचे नज़र आ रहा है ओपन अ डेमो अकाउंट और ओपन एन अकाउंट। तो आपने ऐसे करना है कि ओपन एन अकाउंट जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने ऐसे करना है कि आपने जो फर्स्ट नेम है आपका वो दे देना है। तो मैं जल्दी से अपना नेम दे देता हूँ, पहले फर्स्ट नेम देना है, तो जो भी है आपका वो आपने नेम दे देना है। तो अगर थ्री वर्ड्स का आपका नेम है तो आपने थ्री वर्ड्स यूज़ करना है, मतलब कि दरमियान वाला हिस्सा वो इधर मिडल नेम के अंदर दे देना है। तो उसके बाद लास्ट नेम दे देना है। अगर आपका टू वर्ड है तो आपने इस तरह करना है, एक मिसाल आपका एक ये नेम हो जाए कि मोहम्मद सकलैन, तो सबसे पहले फर्स्ट नेम आपका मोहम्मद आ जाएगा और सेकंड पे आपने लास्ट पे आपने वो दे देना है सकलैन, तो मिडल वाला जो है उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो मेरे थर्ड वर्ड हैं तो तीन वर्ड हैं तो मैंने इसलिए तीन वर्ड ही देने हैं। तो ये मैंने फिल कर लिया है, उसके बाद आपने अपनी कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी वो आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, पाकिस्तान है पाकिस्तान, इंडिया है इंडिया, नेपाल नेपाल या बांग्लादेश है बांग्लादेश, कोई भी आपकी कंट्री है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है आपने वो कर लेनी है सेलेक्ट, आप जो कि उर्दू भी कर सकते हैं लेकिन इंग्लिश कर लेनी है आपने, ताकि आसानी के साथ इनकी समझ वगैरह आ सके, क्योंकि उर्दू में कुछ वर्ड्स वगैरह ग्रामर के हिसाब से कुछ समझने मुश्किल होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, क्रिटिकल, तो इसलिए आपने वैसे रख लेना है। उसके बाद आपने कोड दे देना है प्लस 92 ए, तो ये तो वैसे ही आ जाते हैं जैसे ही आप अपनी कंट्री वगैरह को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर दे देना है। ठीक है, तो मैं इधर अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ, तो उसके बाद आपने ईमेल वगैरह दे देनी इधर। ठीक है, जो भी आपकी ईमेल है जीमेल का अकाउंट में आपने देख लेना, अगर नहीं पता तो जो बिगिनर हैं जिनको पता नहीं अभी वो जीमेल वगैरह इधर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने ये आपकी डिटेल है फॉरेक्स के ऊपर, तो आपने ये चेक कर लेनी है। ठीक है, तो अकाउंट आई आपने सेलेक्ट कर लेना है, स्टैंडर्ड है, माइक्रो है, एक्स मतलब कि आपने जो रखना है वो रखना है तकरीबन वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा रखेंगे आप, माइक्रो रख लें। ठीक है, माइक्रो रख लेना है। उसके बाद आपने कंफर्मेशन के ऊपर चेक लगा देना है, ये नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने चेक लगा देना है। उसके बाद प्रोसेस टू स्टेप टू। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और इंटरफेस आ जाएगा, उसमें आपने अपना वेरिफिकेशन करवानी होती है, तो आपने सबसे पहले अपना जो डे है वो दे देना है कि कौन सा डे है, तो उसके बाद आपने मंथ दे देना है कि कौन से मंथ में आपकी पैदाइश हुई है, तो उसके बाद आपने ईयर का दे देना है कि कौन सा साल था, तो उसके बाद आपने ऐसे करना है कि आपने सिटी का एड्रेस दे देना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से दे देता हूँ, स्ट्रीट नंबर जो है वो भी दे देना है, जैसे कि आपके स्ट्रीट कौन सी स्ट्रीट है कौन सा नंबर है वो दे देना है। तो रेजिडेंटल एड्रेस जो होता है कि आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि आप जो कि आपका रहायशी है एड्रेस होता है, जैसे कि आप किसी सिटी में जिस सिटी में रहते हैं वो या किसी गांव विलेज वगैरह के अंदर रहते हैं वो आपने एड्रेस वगैरह दे देना है। तो इसमें मैं आपका अपना जो है एड्रेस दे देता हूँ, उसके बाद आपसे पोस्टल कोड जिप कोड जो कि आपने अपनी कंट्री का किसी की टैब ओपन कर लेना है, न्यू टैब उसमें आपने सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप अगर लाहौर के अंदर रहते हैं तो आपने लिख देना है कि जिप कोड
ऑफ लाहौर, या किसी और कंट्री के मतलब कि आपने सिटी का नेम लिख देना, उसके बाद आपने ज़िप कोड लिख देना है, आपका जो ज़िप कोड है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ज़िप कोड और पोस्टल कोड एक चीज़ है, इसको पोस्ट कोड और पोस्टल कोड और ज़िप कोड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने फिल कर देना है इधर। तो उसके बाद आपने आर यू एस सिटीज़न फॉर टैक्स पर्पज़, तो नहीं आपने ऐसे करना कि नो, इस पर नो को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट से नहीं है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट से रिलेशन रखते हैं, सिटीज़नशिप है, तो आपने यूनाइटेड स्टेट की रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल वगैरह देनी है, तो आपने बेसिक जो करेंसी है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, यूएसडी को सिलेक्ट कर लेनी है, यूरो को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपने सिंपल यूएसडी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने लिवरेज जो है वो ज़्यादा नहीं रखनी, तकरीबन 1500 रख लेनी है, ये जो दूसरी में दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा है इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो अकाउंट बोनस वगैरह ये आपने ऐसे कर लेना है कि आई विश टू रिसीव बोनस, ठीक है। बोनस वगैरह आप रिसीव, दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है नज़र, इस पर आपने क्लिक कर देना है, येस आई विश टू रिसीव द बोनस, इस पर आपने चेक लगा देना है, ठीक है। इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मिनिमम जो है वो आपने रख कर लेनी है, ज़्यादा नहीं आपने ये इन्वेस्टिंग की जो है इनकी ये इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है ट्रांजैक्शन की जो है वो रख लेनी है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कर लेना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने कर लेनी है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के ऊपर आपने कर लेना है, कि इधर आपने कर देना है, अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं तो एम्प्लॉयड पे कर लेना है, अगर आप खुद का करते हैं बिजनेस वगैरह तो आपने सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर कर लेना है, अगर आप तालिबे इल्म हैं तो स्टूडेंट के ऊपर इस तरह का आपने कर लेना है। तो मैं इधर कर देता हूँ जी सेल्फ एम्प्लॉयड, सही है। तो आपने अपने हिसाब से कर देनी है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नेचर ऑफ बिज़नेस के ऊपर चले जाना है, तो आपका कौन सा बिज़नेस है, मतलब कि आपने कौन से किस तरह का आप कारोबार करते हैं, उस पर आपने कर देना है कि क्लॉथिंग के ऊपर करते हैं, या कंप्यूटर एक्सेसरीज वगैरह के कंस्ट्रक्शन, ये मकानात वगैरह जैसे बनते हैं, ट्रेनिंग वगैरह, या एजुकेशन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, टेलीकॉम वगैरह जो कि सिम वगैरह या कोई फ्रेंचाइज वगैरह का काम करते हैं, मोबाइल, इंटरटेनमेंट एंड मीडिया, फाइनेंशियल सर्विस एंड प्रोडक्ट्स वगैरह, फूड, काफ़ी सारी हैं, तो आपने सिंपल इसमें कोई भी रख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन सी रख लें। अब यहाँ से देखें फूड हेल्थ एंड ये वाला आप सेलेक्ट कर लें, इंटरनेट एंड ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। उसके बाद आप लेवल ऑफ एजुकेशन, आपकी कितनी एजुकेशन है, अगर 10 से कम है तो आपने सेंकटरी रख लेनी है। तो अगर आप मैट्रिक से ज़्यादा है आपकी, तो आपने हाई स्कूल सॉरी सेंकटरी रख लेनी है। तो अगर कम है, अगर आपकी 10 मैट्रिक से ज़्यादा है एजुकेशन, तो आपने सेकेंडरी रख लेनी है, और अगर कम है तो आपने हाई स्कूल रख लेनी है। अगर आप बीए मतलब कि लगभग 14 के करीब वगैरह किया है, तो आपने बैचलर डिग्री को रख लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ आपने इस जो कि अपनी एजुकेशन है उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। ग्रेजुएशन है तो आपने बैचलर डिग्री को रख लेना है, ठीक है। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर वगैरह रख लेनी है। अगर बिल्कुल भी नहीं है तो आपने नन ऑफ द अबव, इस पर आपने सेलेक्ट कर देना है, इस पर चेक मार्क लगा देना है। तो मैं फ़िलहाल इस पर जो लगा देता हूँ, मैं अपने हिसाब से लगा देता हूँ। तो उसके बाद आपने इनकम बतानी कि आपकी सालाना इनकम कितनी है। तो मेरी लेस देन $50,000 से कम है तो मैं इधर ही सेलेक्ट कर दूँगा, क्योंकि उससे आगे तो बहुत ज़्यादा है। तो इतनी हो सकती है, इतनी ज़्यादा तो नहीं कमा सकते। सॉरी योर टोटल एस्टिमेटेड नेट वर्थ जो है वो आपने जो सेलेक्ट कर लेनी है, वो भी यही $50,000 को ही सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, तो आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले जो है रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, उसके बाद आपने ये जो नीचे वाला सेलेक्ट आ रहा है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन सा सेलेक्ट कर लेना है, ये नेवर का है, इस पर आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो अगला आएगा उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन सा सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जो दूसरा नज़र आ रहा है उस पर आपने यस के ऊपर चेक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपसे कोड की वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो आपने पासवर्ड वगैरह लगा देना है इधर। तो मैं जल्दी से इसमें पासवर्ड लगा देता हूँ, दोनों जगह पर आपने जो डिब्बे नज़र आ रहे हैं एक जैसा लगाना है।
अच्छा, तो दोस्तों आपने एक जगह पे इस तरह का पासवर्ड बना लेना है, जैसे कि ये छोटे बड़े वर्ड और गिनती वगैरह है इसमें, और ये ब्रैकेट्स वगैरह हैं इसमें, तो इस तरह का आपने पासवर्ड बना लेना है, इस तरह का ये मजबूत बन जाता है। ठीक है, तो ये मैं आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को कि इस तरह का आपने जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है इस तरह का बनाते हैं, तो इस तरह का आपने पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, तो मैं अब और पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों मैंने पासवर्ड अपना क्रिएट कर लिया और मैं इधर अपना फिल कर रहा हूँ। तो ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह हो गई है, तो फिर से बना लेते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपने तीन तीन वर्ड यूज़ कर लेने हैं, गिनती के भी और इंग्लिश बड़ी इंग्लिश के भी और छोटी इंग्लिश के, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड और स्मॉल वर्ड भी आपने यूज़ करने हैं, और उसमें जो मैथमेटिक्स के हैं वो भी आपने यूज़ कर लेने हैं। उसके बाद आपने कन्फर्मेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सिंपल आपने ओपन अ रियल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये थोड़ा सा इसका थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन होती है थोड़ी सी इसमें अकाउंट बनाने की। तो उसके बाद आपने जो है ईमेल के अंदर आपको एक भेजा जाएगा, तो आपने सिंपल ईमेल को अपनी अपनी जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों आपने अपनी मेल को ओपन कर लेना है, तो देख लेना कि ये कन्फर्मेशन हो गई है। ठीक है, तो सिंपल आपने फिर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, जो भी पासवर्ड और ईमेल वगैरह लगाया होगा। ठीक है, तो कन्फर्मेशन ईमेल एड्रेस पर आपने रेड कलर का नज़र आ रहा है उस पर आपने क्लिक कर देना है, तो आपने कन्फर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने कोड को ओपन कर लेना है, ये जो कोड नज़र आ रहा है इसको आपने किसी भी MT4 और MT5 के अंदर लगा देना है, तो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आप अपना पासवर्ड जो भी बनाया है आपने वो इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, तो जैसे ही पेस्ट करूँगा उसके बाद मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो है हो चुका है, तो अकाउंट इनका जो है, तो मैंने दूसरा एक अकाउंट बनाया है इसलिए ये नॉट वैलिडिटी बता रहे हैं। उसके बाद ये मुझे देंगे, बोनस वगैरह देंगे, वो मैं आपको शो कराऊंगा। तो ये जो $5,000 का बता रहे हैं ये तो डिपॉजिट करने के बाद ही देते हैं। ठीक है, $5,000 जो कि इन्होंने देने हैं रिमेनिंग टू क्लेम, जब यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे मैक्सिमम मैं आपको बता देता हूँ कितने करवाने पड़ेंगे इधर। तो ये एक मिसाल नेट स्क्रील से हम अगर करवाते हैं, जैसे हम स्क्रील को ओपन करेंगे तो हमें बता देंगे कि कितना हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो ये नहीं देते कि इतना ज़्यादा। तो देख लेते हैं इधर कितना हमें करवाना पड़ेगा, तो मिनिमम आप $100 जो कि इसमें डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं, स्क्रील से करवा सकते हैं, अपने अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, नेटरल से, तो ये मुख्तलिफ इनके मेथड हैं, तो आप आसानी के साथ करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें डिपॉजिट करें। डिपॉजिट करना आपने अपने हिसाब से करना है, लेकिन आपको जैसे अकाउंट बनाना सिखा दिया इससे आपको $30 तो फ्री में मिलेंगे, लेकिन ये इनका प्रोसेस है कि तो कुछ देर के बाद देते हैं। ठीक है, तो ये $30 देते हैं अगर डिपॉजिट का कहें, तो डिपॉजिट के बाद ये जो क्लेम करवाना होता है वो $5,000 के करीब होता है। ठीक है, ये देखें, तो वैसे भी मैं इनकी प्रमोशंस के अंदर ले जाता हूँ, आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप ये 3 डॉट आपको नज़र आते होंगे आपने इस पर क्लिक कर देना है, तो सिंपल आपने ये जो नेट वैलिडेटेड तो इस पर आपने क्लिक कर देना है, तो जैसे नज़र नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको प्रमोशन नज़र आती होगी। तो यहाँ पे देखें इन्होंने साफ साफ बताया कि कितने पे आपको कितना बोनस वगैरह मिलेगा, तो ये बोनसेस वगैरह की इनकी प्रमोशंस आप आकर देख सकते हैं कि एक जगह पे इन्होंने जो एड्स वगैरह आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पर नज़र आती होगी कि उधर इन्होंने इन लोगों ने बताया कि $5,000 जो कि फ्री में दिए जाते हैं। तो देखें ये इनकी प्रॉब्लम है, सिर्फ ये बताते हैं कि इतनी आपको मिल जाएगी, तो वैसे मिलता नहीं है इतना ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ $30 देते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद देते हैं, कुछ टाइम लगता है, उसके बाद $30 आपको इधर शो होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे आप ट्रेडिंग वगैरह करके अपनी जो है बना लेंगे, कोई भी विड्रॉ करवा सकते हैं जो भी प्रॉफिट होगी। तो अभी के लिए इतनी ही है, इससे ज़्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो देख लें अकाउंट ओपन करने का मेथड मैंने कंप्लीट बता दिया है, उसके बाद आपने क्या करना है। तो दोस्तों जो ये $5,000 का कह रहे हैं ये तो आपको नहीं मिलने वाला जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो साफ ज़ाहिर है कि अगर $5,000 डिपॉजिट करने से तो नहीं मिलेंगे, 5,000 कम से कम आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कि अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये $5,000 जो कि इन्होंने बताया कि वो मिलेंगे। ठीक है,
तो वो मैं आपको ऐड वगैरह इनकी शो करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, पता चल सके, जैसे कि मैंने थंबनेल के ऊपर बताया आपको। तो ऐसा नहीं समझना कि कोई फेक न्यूज़ वगैरह, गलत न्यूज़ वगैरह बता रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं रियल मेथड है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अकाउंट बनाना मैंने सिखाना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दूसरी वीडियोस वगैरह हैं जिनके ऊपर रियल अकाउंट पे आपको बोनस वगैरह दिए जाते हैं और उनसे आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड वगैरह की हुई हैं। तो आप उनको विज़िट करें चैनल को और उनको देखें और भरपूर फ़ायदा उठाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।